डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम BSc पार्ट थर्ड केमिस्ट्री ऑनर्स में इनऑर्गेनिक का जो हम पिछला टॉपिक था उसको आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एंड दियर फिलिंग विद इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो अपन पिछले उसमें पढ़ा था उनके दोनों को डिस्कस करेंगे। एक तो जो जिनमें लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो और दूसरा जिसमें लिगेंड वीक हो। तो उसमें दो तरह के आपके जो वो बनता है सिस्टम उसका, कि एक तो आपके क्या होगा एमोटिव डायग्राम में जब देखेंगे इसको, तो एक तो लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे और एक हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो पहला हमारा है एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देयर फिलिंग विद इलेक्ट्रॉन्स, कि कैसे आप उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं और एनर्जी ऑर्डर किस बढ़ते या घटते क्रम में होगा। तो दी ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ द लिगेंड। ये क्या सीधा सा है कि नेचर की लिगेंड कैसी, लिगेंड की नेचर क्या है, उसके आधार पर इनका एनर्जी का जो वह अंतर वो पता चलता है कि पहले किस में भरेंगे। और कंसेप्ट इसमें सारे वही हैं जो हंस रूल अपोसिंतान थे सारे के सारे उसमें यूज करेंगे। तो पहला है अपना व्हेन द स्ट्रॉन्ग लिगेंड आर प्रेजेंट, यानी उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो किस तरह की जो ज्योमेट्री होगी और इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा। इन MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी द डिफरेंस बिटवीन द T2g एंड EG ऑर्बिटल्स इज टेकन एज डेल्टा ओ, यानी ऑक्टाहेड्रल के लिए द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड सच एज अमोनिया केजेज मोर स्प्लिटिंग इन सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, सिग्मा एस बॉन्ड बी, सिग्मा एक्स बी, सिग्मा वाई बी एंड सिग्मा जेड बी, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बॉन्डिंग एंड सिग्मा जेड स्क्वायर बॉन्डिंग एंड द डिफरेंस डेल्टा ओ बिटवीन द T2g सेट ऑफ नॉन बॉन्डिंग एटोमिक ऑर्बिटल्स एंड EG स्टार सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी, एग्जाम्पल डेल ओ ग्रेटर देन पी। इन दिस केस द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज गिवन एज सिग्मा एस बॉन्डिंग, सिग्मा एक्स बी बॉन्डिंग, सिग्मा वाई बॉन्डिंग, सिग्मा जेड बॉन्डिंग, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बॉन्डिंग एंड सिग्मा बी जेड स्क्वायर बॉन्डिंग। और पाई बॉन्ड का जो है इसमें डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड इज डेल्टा ओ, और एंटी बॉन्डिंग में जो आपके जाते हैं सिग्मा स्टार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिग्मा स्टार जेड स्क्वायर, सिग्मा एस एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एक्स एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा वाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा जेड एंटी बॉन्डिंग। द एनर्जी ऑफ नॉन बॉन्डिंग एटोमिक ऑर्बिटल इज लेस देन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है उसकी से एनर्जी कम किन की रहेगी इसमें नॉन बॉन्डिंग में, और बाकी बॉन्डिंग वालों की और भी कम रहती है। द कॉम्प्लेक्स ऑफ CONH3 का होल 6+3 आयन विच कंटेन स्ट्रोंगर अमोनिया लिगेंड, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स फॉलो द ऑर्डर सिग्मा एस सबसे कम एनर्जी इसके बढ़ते क्रम में, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, इसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिग्मा जेड स्क्वायर ग्रेटर देन डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। उससे अधिक एनर्जी अब किसकी है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिग्मा जेड स्क्वायर सिग्मा एस एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एक्स एंटी बॉन्डिंग सिग्मा वाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा जेड एंटी बॉन्डिंग।
ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है MOT डायग्राम ऑफ CONH3 का होल 6 3+ आयन लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि लो स्पिन इसमें क्यों बनता है, क्योंकि आपके अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसमें पहले क्या होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से ये पेयरिंग करने लग जाता है और आपके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ना भर के पहले बॉन्डिंग में भरे जाएंगे और बचे हुए किस में जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग में, क्योंकि उसकी एनर्जी जो ऑर्डर है वो उससे क्या है, कम है। तो इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि 4s 4p और 3d में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, जिनमें 3d वाला t2g प्लस eg, 4s का a1g और 4p का t1u। इधर आपकी जब पेयरिंग हो जाती है, समेशन a समेशन x समेशन y एंड समेशन z और एक और इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, समेशन z स्क्वायर। इसके बाद जो आपके नीचे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, साफ ही सिग्मा बी बॉन्डिंग है, इधर सिग्मा एक्स वाई एंड जेड बॉन्डिंग है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में, उसमें दो दो आपके पेयरिंग हो रहे हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा जेड स्क्वायर, इनमें भी आपके पेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इनके एनर्जी के वो जो हैं वो क्या है, A1G भी तो सिग्मा बी का है, और सिग्मा पी के लिए T1U है, और सिग्मा डी के लिए क्या है, EG बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग में आपके DXY DYZ और DXZ में भरे जाते हैं, जो कि एंटी बॉन्डिंग में हैं उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा रहे, इसलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंडर आपके हम एनर्जी इंक्रीजिंग ऊपर डेल्टा ओ के बढ़ते क्रम में जाएगा, ये जो कि अपन पहले भी पढ़ते आए हैं उसी के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे, कि इनका जो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका वही है कि आप प्रॉन्स रूल पॉली अपवर्जन का सिद्धांत सारे फॉलो करने हैं आपको। दस देयर आर इन टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 12 फ्रॉम 6 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 6 फ्रॉम कोबाल्ट प्लस 3 आयन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 6 3+ आयन कैन बी रिटन इन वेरियस वेज सोन बिलो, यानी इनके कई अलग अलग तरीके हैं, तो आपको तरीका यही फॉलो करना है कि जब आप जो डायग्राम में देख रहे हो उनके एनर्जी के बढ़ते क्रम में उसी हिसाब से आपको इनका क्या कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। पहले सिग्मा यानी आपके सिग्मा एस में आएंगे बॉन्डिंग दो, फिर सिग्मा एक्स बी में दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा वाई बी में दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा जेड बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिग्मा जेड स्क्वायर में बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन, जबकि आपके जो तीन नॉन बॉन्डिंग के 3DXY 3DYZ 3DXZ इनमें भी दो दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। दूसरा ग्रुप क्या होगा, टोटल इसमें 6 सिग्मा बी, यानी सिग्मा बी इसमें टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हैं, 3DXY में 2, 3DYZ में भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3DXZ में दो इलेक्ट्रॉन, इनके एनर्जी के जो हैं जो आपकी सिमेट्री वो क्या होगी, सिग्मा 1G में 2, T1U में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, EG में 4 और T2G में 6, और सिग्मा एस बॉन्डिंग में 2, सिग्मा पी बॉन्डिंग में 6 और सिग्मा डी में 4 इलेक्ट्रॉन, और पाई डी में 6। पाई डी में 6 कौन कौन से हैं, आपके आपके 3DXY 3DYZ और 3DXZ। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आर फाउंड विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का जो भरने का तरीका है, और ये जो डायग्राम है, क्योंकि आपको इसमें एग्जांपल किसको ले सकते हैं, अमोनिया को, अमोनिया यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग होगी और पहले बॉन्डिंग में और नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यदि उसके बाद बसते हैं तो इसमें क्या हुआ है, पेयरिंग ज़्यादा हो रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है या नहीं होती, तो उस वजह से इनको क्या कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। दूसरा अपना जो एग्जाम्पल अपन लेंगे वो क्या है, वेन लिगेंड आर वीक, जब लिगेंड क्या हो, वीक हो, तो उस स्थिति में आपके इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम कैसा रहेगा। डायग्राम में आपके जो MOT एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें आप एक कोई एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि वीक लिगेंड की तरह भूमिका निभाता है।
तो द वीक लिगेंड्स प्रोड्यूस लेस स्प्लिटिंग एंड हेंस इन केस ऑफ वीकर लिगेंड्स सच एज फ्लोराइड द सी एफ एस ई बिटवीन द टी टू जी एंड ई जी स्टार सेट इज ए स्मॉलर देन पी। एग्जाम्पल यहाँ पर डेल्टा ओ का मान किससे, पी से कम होगा एंड हेंस द लोएस्ट एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिग्मा स्टार जेड स्क्वायर हैव नियरली द सेम एनर्जी एज द नॉन बॉन्डिंग एटोमिक ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। कंसिक्वेंटली द ऑर्डर ऑफ एनर्जी बिकम्स एज शोन बिलो एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द ऑर्बिटल्स फॉलो द ऑर्डर। नीचे जो हमने दिखा रखा है उसी ऑर्डर में इनके क्या भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सिग्मा एस बॉन्डिंग, उसके से ज़्यादा एनर्जी फिर किसकी हो गई, सिग्मा एक्स बॉन्डिंग सिग्मा वाई बॉन्डिंग सिग्मा जेड बॉन्डिंग सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिग्मा वाई सिग्मा जेड स्क्वायर, ये सारे बॉन्डिंग के हैं। उससे जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी उसी क्रम में इनको इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, थ्री डी एक्स वाई थ्री डी वाई जेड एंड थ्री डी एक्स जेड। और एंटी बॉन्डिंग में आपके सिग्मा जेड का स्क्वायर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिग्मा एस स्टार सिग्मा एक्स स्टार एंड सिग्मा वाई स्टार और लास्ट में आपके सिग्मा जेड स्टार। इन केस ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हंस रूल इज ए ऑर्बिट। देखो हाई कॉम्प स्पिन यानी वीक लिगेंड है तो वहाँ पर हंस रूल का पालन पूरी तरह से करते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पहले पेयरिंग होती है इसलिए हंस रूल का पालन नहीं होता कि एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरें। वहाँ पर पहले पेयरिंग जिनकी एनर्जी कम है उनमें होगी, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरे जाएंगे ऊपर, जबकि लो जो आपके लिगेंड यदि वीक है तो उस स्थिति में आपके क्या होगा, पूरी तरह से हंस रूल का ओबे होगा यानी उनका पालन होता है। इसको आप इस डायग्राम से और समझ सकते हैं कि हमने एक एग्जांपल, क्योंकि आपके ऑनर्स में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जांपल आप, इसलिए आप क्या करेंगे एक 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 स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एग्जांपल को समझेंगे और एक वीक को, और उनमें आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, पर स्ट्रॉन्ग में आपके अमोनिया है साइनाइड है कार्बोनिल समूह है, जबकि वीक में आप किसको ले सकते हैं फ्लोराइड क्लोराइड इनको आप काम ले सकते हैं। तो इसका एग्जांपल जो है वो द कॉम्प्लेक्स हैज कोबाल्ट एज ए सी ओ थर्ड थ्री डी सिक्स दस देयर आर इन टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट 12 फ्रॉम 6 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 6 फ्रॉम कोबाल्ट प्लस 3 आयन। तो यानी 12 उसमें आपके अमोनिया लिगेंड में काम आ जाएंगे और जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके होंगे, कोबाल्ट 3 आयन के, क्योंकि 3d6 में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स अमोनिया कैन बी रिटन इन वेरियस वे शोन इन बिलो। तो उनके देखो आपके जब कोबाल्ट और अमोनिया के दोनों, तो यहाँ पर अपन किस पर डिस्कस कर रहे हैं, अपन डिस्कस कर रहे हैं किस पर, वीक लिगेंड पर। तो इसका एग्जांपल ये जो आपके डायग्राम दिख रहा है इसमें बिल्कुल क्लियर है कि आपके कोबाल्ट प्लस 3 में 3d6 है तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 4s और 4p में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जैसे इनमें बॉन्डिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में तो फिर आपके क्या बनेगा, समेशन ए समेशन एक्स समेशन वाई समेशन जेड और समेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर समेशन जेड स्क्वायर, इनकी सिमेट्री क्या होंगी, a1g eg प्लस t1u, जबकि आपके 3d में होती हैं t2g eg जबकि 4s में a1g और 4p में t1u। बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो जो नीचे इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है, सिग्मा एस बॉन्डिंग सिग्मा एक्स बी बॉन्डिंग सिग्मा वाई बॉन्डिंग सिग्मा जेड बॉन्डिंग और सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और सिग्मा जेड स्क्वायर। तो नीचे वाले आपके सिग्मा एस हैं वो तो a1g है और आपके एक्स वाई और जेड के हैं वो t1u है और आपके 3d एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 3d जेड स्क्वायर में आपके जो है सिमेट्री वो ईजी एनर्जी की ईजी है। उसके बाद आपके तीन जो हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो 3d एक्स वाई 3d वाई जेड और 3d एक्स जेड, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इनमें आपके क्या होगा,
चार इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 3d xy में पेयरिंग होगी क्योंकि एनर्जी के बढ़ते क्रम में, नीचे से आप इनके बढ़ते क्रम में, जबकि दो इलेक्ट्रॉन है वो आपके कहाँ पर जा रहे हैं, एंटीबॉन्डिंग में। एंटीबॉन्डिंग में किस किस में जा रहे हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंटीबॉन्डिंग और दूसरा सिग्मा जेड स्क्वायर में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, और उनका एनर्जी का वो कौन सा है लेवल Eg स्टार, और इनके जो गैप है वो डेल्टा का गैप है। तो यहाँ आप MOT एनर्जी लेवल डायग्राम कोबाल्ट हेक्जा फ्लोरो कोबाल्ट को आप हाई स्पिन के रूप में यहाँ समझ सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में। तो आपको दो एग्जांपल को समझना है, एक तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है उनको हाई स्पिन, और जिनमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो या ये कहें पेयरिंग ज़्यादा होती है उनको आप क्या कहते हैं, लो स्पिन। क्योंकि हाई स्पिन में मैग्नेटिक प्रभाव मैक्सिमम होता है, जो म्यू का मान आप जब निकालते हो क्योंकि उस समय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए उनका मैक्सिमम होता है, और जैसे ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती जाती है तो म्यू का मान क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन का मान कम हो जाता है। तो इस आधार पर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स को और ऑक्टाहेड्रल में जिनमें एक वीक हो और एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो उनको आप आसानी से समझ सकते हैं। और इसको आगे अब जो अगले टॉपिक इसमें रहेंगे वो आपके बचे हैं सिलेबस में, एक तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है MOT थ्योरी का, एक आपके और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बचा हुआ है तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये जो आज जो टॉपिक है ये बिल्कुल सिंपल है, इसको आप थोड़ा सा एक बार थर्ड ईयर की बुक्स में जो हिंदी में है उनमें देख सकते हो, पर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है इसको तो आप या तो JD ली में से देख सकते हो या प्रगति पब्लिकेशन की बुक्स हैं उनमें भी है और हुई में भी इन पर डिस्कस किया हुआ है, या मलिक तुली मदान किताब में भी बहुत सिंपल तरीके से समझाया है क्योंकि यह इंडिया एडिशन की है किताब, तो उसमें आपको समझने में भी दिक्कत नहीं आती। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। धन्यवाद।